आएगी शक्ल। दोस्तों आज मैं आपको आरओ का फिल्टर करना बताऊंगा, चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पाइप ये उतार लेना है फिल्टर, और जो इसके ऊपर ये जो नीले वाला जो दिखाई दे रहा है ना ये बटन नोब है, तो उसको अभी मैं एक हाथ से कैमरा को रखता हूँ, जो नीली नोब है इसको पहले बंद कर देना है, नहीं तो सारे में पानी आ जाएगा। ये मैंने कर दी बंद, ठीक है। उसके बाद इस फिल्टर के आपको पाइप निकाल लेने हैं, आराम से रख के जो फिल्टर है इसके पाइप निकाल लेने हैं आराम से, इसको है ना दबाते हैं लोग ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पानी निकलता है, ये निकाल दिया मैंने इसके दोनों पाइप, ठीक है। अभी हमारा फिल्टर आ गया बाहर, और इन पाइप को छोड़ देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे। इसके लिए वैसे तो वो आता है एक टूल आता है इसका, लेकिन मैं इसको हाथ से खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास टूल नहीं है, वो थोड़ा देर लगेगा। अभी मैं इसको वीडियो को स्किप कर देता हूँ, फिर मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने इसको खोल लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने फिल्टर बदला था इसका थोड़े दिन पहले ही, लेकिन मैं फिर दोबारा बदल रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली बार भी मैंने क्या करा था, इसको साफ करके लगा दिया था। ये देखिए इसमें काला पड़ गया है, देखिए पानी कितना काला है इसके अंदर, देख रहे हो, क्योंकि मेरे यहाँ मट्टी बहुत आती है। मैं आपको है ना किसी चीज़ में करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना काला पानी निकलता है, ये देखिए देखिए कितनी उसके अंदर मट्टी भरी हुई है। तो हम इसको पहले अंदर से धो लेंगे और देखिए कितना काला पानी निकला है, ठीक है। वैसे भी दोस्तों क्या होता है, कई बार कई जगह पानी बिल्कुल साफ आता है, तो लोग बात क्या करते हैं इसी फिल्टर को, जैसे ये है तो इसको धो के लगा देते हैं, लेकिन मैंने पिछली बार भी ऐसे करा था। देखो अब इस पर मिट्टी अब भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ये देखिए कितनी मिट्टी है इसके अंदर, कितनी मिट्टी चिपकी पड़ी, चिकनी मिट्टी होती है ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस बार बदल ही देंगे, इसको फेंक देते हैं, ठीक है, और इस बार नया फिल्टर लगाएंगे। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसके ये जो ढक्कन है और ये जो इसका वो है बॉक्स, इसको अच्छे से थोड़ा पूरा क्लीन कर लेना, नहीं तो पहले जो नया फिल्टर में जो ये लेकर आया हूँ, ये नया फिल्टर लाया हूँ, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको शुरू करते हैं इसको धोना, और धोने के बाद फिर मैं आपको पूरा सही से दिखाता हूँ, जब तक मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने इसको साफ कर लिया अच्छे से, ये भी और ये देखिए पूरा साफ हो गया अच्छे से, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं पूरा अंदर से, आप देखें दूध से या कपड़े से जैसे भी है किसी भी चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर क्या करना है आपको, बीच में लगा देना है, ऐसे रख देना है, और इसके अंदर ये ध्यान रखना है इसके अंदर पानी जरूर भरना है, नहीं तो बिना पानी भरे आपका फिल्टर सही काम नहीं करेगा, उसको पानी भर के तब बंद करना है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर पानी भर दिया मैंने, अब आपको इसको बंद करना है, दोस्तों। आप वैसे इसके अंदर एक टूल आता है, उसकी मदद से कर सकते हो, लेकिन मेरा आराम से बंद हो जाता है, इस वजह से मैंने वो टूल का इस्तेमाल नहीं करा, मैं इसको अच्छे से बंद, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने इसमें लगा दिया है, मैंने इसमें लगा दिया है फिल्टर, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक में लिखा है इन, एक में लिखा है आउट, तो जो टंकी से जो पाइप आ रहा है ना वो तो लगेगा इसके अंदर, और जो आरओ में जाएगा ये लगेगा यहाँ पे आउट, एक इन एक आउट। चलो लगाते हैं इसको, ये मेरा टंकी में से पाइप आ रहा है, तो मैं इसको लगाऊंगा इन में, ये बस लग गया, ठीक है, और ये लगाऊंगा मैं इसको आउट में, ठीक है दोस्तों। और इसको जैसे लगाऊंगा वैसे ही टांग देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप अपने आरओ की मेंटेनेंस अपने घर में खुद ही कर सकते हैं, अपना आप ही फिल्टर बदल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों देखो मैं दिखाता हूँ आपको कितनी मिट्टी आई थी इसके अंदर, ये देखो चाकू से निकालता हूँ, ये देखो है ना मिट्टी, ऐसे देख ना ये मिट्टी है सारी, ये सब आपके पेड़ पे जाती है अगर आरओ ना हो, अगर फिल्टर ना लगे हो तो।
तो फिल्टर आजकल लगाना बहुत जरूरी है। ये देखो, ठीक है ना, अभी तो ये मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, जो उसमें चली गई आपको दिखाई थी कितनी थी, जो मैंने साफ कर दी, उसके बावजूद इतनी मिट्टी है कि आप है ना इससे मकान बना लो अपना चिनाई में। ये देखो कितनी मिट्टी आ रही है, ये देखो, और जो इसके अंदर घुसी भी होगी, इसके अंदर होगी, बाहर होगी, ये देखो कैसे मिट्टी भरी पड़ी है सारे में, ठीक है। तो उसको टाइम टाइम पे आप 3 महीने 4 महीने में चेंज करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके यहाँ कंज्यूम कम होता है और पानी साफ आता है तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी बदल सकते हो और धो के दोबारा भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे नए ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 40-50 रुपये का आता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,